टीवी स्टैंड है ये। तो कैमरेट बोलते हैं इसको किस तरह फिट करना है, आपको इससे अंदाजा आ जाएगा इसको किस तरह फिट करना है। दूसरा इसके अंदर ये सब स्टैंड आएंगे उसके उसके पास से अंदर के। फाइव है लगने के बाद मालूम पड़ेगा इसका क्या यूजिंग है। तो फिटिंग करना पड़ेगा कैंडिडेट में देख के, बहुत सारे बोल्ट दिए इसके अंदर। तीन या चार एलएम के पाने दिए हुए, फिट करने के बाद किसी और में भी यूज़ कर सकते हो। देखो इतनी चीज दी है ध्यान से, स्टैंड लगेगा दो पार्टीशन से होगा, ये दोनों बोल गया है।
एकदम फिट हो गया। एक घर है यहाँ पे जो एल एम जी से टाइट होता है। बाद में ये टीवी लॉक नहीं लगानी है, इसके पीछे की प्लेट है तो अपने ये गैस में बिठा के यहाँ छोड़ देना है। ये चाकी आएगी उसको लगानी है, अपना एक रेडी हो गया उसका वाला भी सही लगाना है। रेडी हो गया अपना, और जितने भी ये स्टैंड है वो अपने वायर के लिए है, जो अपने टीवी के जो भी वायर देते हैं इसके अंदर आएंगे इंडर से निकल के बाहर, तो वो क्या भूलेगा नहीं। चार्ज किया हुआ है दूसरी टीवी को, दूसरी टीवी का अलग रखते हैं। अभी रेडी हो गया है, और ये जो नट्स है ये छोटे छोटी टीवी लगाने के लिए, बड़ी टीवी लगाने के लिए, और ये जितने भी ये आठ पिन है वो पीछे टीवी के पीछे लगाने के लिए, दोनों के बीच में गैप रहता है जिस तरह। ये दोनों के बीच में गैप रहेगा, इसके लिए कुछ दिएगा प्लास्टिक, और कुछ नहीं लगाने होगा तो छोटा टीवी होगा हमें डायरेक्ट टीवी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लग जाएगा। देखो यहाँ पे जो प्लेट थी ना वो मैंने निकाल के डिस्प्ले पे लगा दिया है, अभी इसको फिट करेंगे। लॉक हो गया, इसको यहाँ से टाइट करना है बाद में। ये देखो कंप्लीट फिट हो गया है, ये कहीं भी इस मूवमेंट कर सकते थे। मैं ये दूसरा टीवी अभी लगा सकता है, दो टीवी का स्टैंड है ये, ठीक है।